यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। गर्मियों का मौसम शुरू होने के साथ ही धर्मशाला में भी पर्यटकों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। पर्यटकों की संख्या को देखते हुए प्रशासन भी मुस्तैद हो गया है। पर्यटकों को कोई समस्या ना हो इसके लिए भी पर्यटन विभाग पुख्ता प्रबंध करने में लगा है। हिमाचल में मौसम कभी भी अपना रंग बदल लेता है, ऐसे में बदलते मौसम का लुत्फ उठाने के लिए भी बाहरी राज्यों से पर्यटक भारी मात्रा में हिमाचल आते हैं। पर्यटकों को सुविधाएं मुहैया कराने के लिए नौ प्रशासनिक विभाग जुट गए हैं। जिला पर्यटन विभाग के अधिकारी मनु चौधरी ने बताया कि पर्यटन के सीजन के दौरान यातायात बाधित ना हो इसके लिए कई रास्तों को वन वे भी किया जाएगा, साथ ही इस दौरान पानी की समस्या पैदा ना हो इसके लिए भी पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं। पूरी सीजन को ध्यान में रखते हुए ही डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने सर्वप्रथम 4 अप्रैल को जो है डिस्सा की अध्यक्षता में एक मीटिंग करवाई है, जिसमें विभिन्न लाइन डिपार्टमेंट्स जो हैं उनको, जैसे एमसी है तो पार्किंग व्यवस्था को लेकर, सफाई व्यवस्था को लेकर, देन पुलिस से जो है वन वे जो है यहाँ पे जिसके बारे में बात की गई है, पुलिस और SDM जो है वो साथ मिल के उस मीटिंग में दिशा निर्देश दिए गए थे कि वो वन वे रूट के लिए जो है वो आगे की कार्रवाई करेंगे। उसी तरह से जो त्रियुंड हमारी साइट है उसमें फैसिलिटीज़ को देखते हुए DFO धर्मशाला जी को आदेश दिए गए थे कि वहाँ पे फैसिलिटीज़ के पर्टेनिंग क्या क्या आगे टूरिस्ट को जो है सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकती हैं।